यहाँ पर देख सकते हैं पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसमें काउंट नाम का काउंट में स्टोर किया है 20 और यहाँ वाइल लूप लगाया है और यहाँ पर कहा गया है वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर काउंट 0 से ग्रेटर है तो फिर यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिए, क्या काउंट को ही प्रिंट करवा दीजिए, ठीक है। काउंट ये जो डबल डेट कोट्स में लिखा है इसी को प्रिंट करवाना है। आप इसकी जगह कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो इसकी जगह अपना नाम या चैनल का नाम भी प्रिंट करवा सकता हूँ। और ये भी ध्यान रहे कि यहाँ पे डिक्रीमेंट का यूज किया गया, यानी डिक्रीमेंट करवाया गया, डिक्रीमेंट यानी कि ये ठीक है, यानी सबसे पहले यह 20 प्रिंट होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले प्रिंट होगी, उसके बाद छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, ऐसे करके ये प्रिंट होगा एक्सेल सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से कर दिया है और अब क्या करना है, अब सिंपली इसको चला देना है। तो आप देखेंगे कि एक से लेकर, अब देखिए ये 20 टाइम आएगा, तो यहाँ पे इसको अगर मैं चलाता हूँ तो ये कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन ही प्रिंट होता हुआ आएगा आपको। और ये देखिए ये यहाँ पे फिनिश हुआ है लूप और ये 1, 2 से लेकर 20 तक ये चल रहा है, देखिए 20 टाइम ये प्रिंट करके दे रहा है। अब यहाँ पर जो भी आप लिख देंगे ना, यहाँ पे 20 है तो 20 तक ही आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ तो सिर्फ 5 ही टाइम आएगा। देखिए यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो जितने टाइम आप देंगे उतने टाइम ये चलेगा।